घर में छड़े ऐसे रहते हैं। बोला जरा दोबारा। क्या 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 ब्लॉग बनाने लगे बेटा पूरी दुनिया को जो है ना सारे नज़ारे ना कराओ, मेहरबानी करो। हाँ जी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा अच्छा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कर रहे हैं अभी आप? पेपर करने स्टार्ट करने वाले। पेपर की तैयारी कर रहे हैं? Yes. आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई। चलो क्या खाना? कुछ भी खा लेंगे। क्या खाएंगे बताएं? कॉलीफ्लावर बनाए वही वाले बेक वाले? नहीं बर्गर वगैरह। बर्गर बेटा अभी दिन का टाइम है, बर्गर कहाँ से आएंगे? रात को मंगवाएंगे। चलें ठीक है रात को। अभी कॉलीफ्लावर बना लें बेक कर लें। जरा साहब क्या ख्याल है आपका? हाँ जी आपने खाई भी तो है। थोड़ी सी चख लूँगा। चख लेंगे थोड़ी सी फिर आ जाए मेरे साथ बनाए। आ जाओ। यहाँ पे गोभी की मैंने मुंडी काटी, उसके बाद इसके पत्ते मैंने जो है ना हटाना शुरू कर दिए। गोभी को फिर अच्छे तरीके से गुसल देना ताकि उसे सफ़रे आखरत पर रवाना किया जा सके। जैद को चूँकि सब्ज़ियाँ नहीं पसंद, इसके लिए उसके लिए सेपरेट से जो है फिले फ्राई किए गए। गोभी को बेक करने से पहले मेल्टेड बटर के अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, गार्लिक पाउडर, अजवाइन और थोड़ा सा चिकन पाउडर मिक्स करके हल्का सा उसको मिक्स किया। गोभी को बॉयल करने के बाद उसका पानी किया हमने ड्रेन और बेकिंग डिश के अंदर रखने के बाद गोभी के अंदर ऐसे छुरियाँ चलाईं जैसे हम उसको कह रहे हैं या तो आज तू नहीं या आज मैं नहीं। उसके बाद मेल्टेड बटर हमने उसके ऊपर डाला। रुके हम यहाँ भी नहीं, उसके ऊपर हमने डाला मेल्टेड चीज़। ये रहा जैद का लंच। हाँ भाई रजा क्या एक्सपेक्टेशन है? आपने तो खानी नहीं है ना कॉलीफ्लावर? क्यों नहीं खानी आपने? ये खाएंगे ये चारों पीस आप खाएंगे? नहीं दो पीस। अच्छा दो पीस खाएंगे यानी ये दो हमारे लिए आप बचा रहे हैं। हाँ जी। और सब क्या खाएंगे आप? हम सब कुछ खाएंगे। आप कुछ भी नहीं छोड़ते हैं? मैं कुछ भी नहीं। अच्छी बात, छोड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, हर चीज खानी चाहिए। जैद की तरह नहीं होना चाहिए, सिर्फ शाकाहारी रहेंगे, मांसाहारी, सॉरी मांसाहारी। गोश्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है भाई। गोश्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेजीज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है भाई। वेजीज को मैं तो देखो वेजीज खाए बगैर कितना दिन हो अभी तक फिट फाट। हाँ फिट फाट माशाल्लाह। 500 ग्राम वजन बढ़ता तो कितनी खुशियाँ होती हैं आपको, है ना? बढ़ता तो है ना। हाँ बढ़ता तो है। कितने अरसे में बढ़ता पता नहीं, अगले साल के अंदर आप 47 से 51, पूरे साल की मेहनत जिम में कर करके तो आप 51 पे बढ़ा तो है ना भाई। वेजीज खा के थोड़ी बढ़ना था। अच्छा ये सब पोजीशन है, सिर्फ 5 मोर मिनट्स रह गए, हमने ये निकाल लेना इंशाल्लाह।
बहुत आला बहुत आला। तो क्या बोलता है विलेज फूड सीक्रेट्स वाला? अस्सलाम वालेकुम मुबशिर सिद्दीक, आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा नहीं, उसका अब्बा क्या बोलता है? तो जिंदाबाद मुबशिर बोलता है। आप क्या बोलेंगे? बहुत आला। नहीं नहीं, आप कुछ और बोलेंगे ना, वो जिंदाबाद। वो जिंदाबाद पापा। वेरी गुड। और ये आ रहे हैं जैसा अपना लंच सर खाते हुए। खाने के दौरान वीडियो नहीं बनानी चाहिए। क्यों? सारे एटिकेट सामने आ जाते हैं। अब मान साहब ट्रे के अंदर ही आ गए। ले जी, खाना खा के हम लोग फारग हुए हैं। खुद हम लोगों ने बनाया, खुद खाया। मिसेज गई हुई थी आज लाहौर एक शादी अटेंड करने के लिए, तो हम लोगों ने जो है ना खुद अपना एंजॉय किया। एक सेकंड में रिफ्लेक्शन आ रहा। चले, उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और ज़्यादा मैंने मस्तियाँ नहीं की, क्योंकि हम लोग ज़रा खुद अपने बाप बेटा जो है ना बहुत मस्तियों कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा वो शेयर नहीं की कि वो दिखाने के काबिल नहीं थी। चल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू कमेंट।